बेटा आंटी ने आपको चॉकलेट दी, थैंक यू बोलो। जी हाँ, बचपन से ये हमें सिखाया जाता है कि जब कोई हमारी मनपसंद की चीज़ हमें देता है, जो चीज़ हमें पसंद है वो हमें देता है, तो हमें उसे थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज माइंडफुलनेस की एपिसोड 17 में लेट अस पॉज टुगेदर टू टॉक अबाउट हाउ टू बी ग्रेटफुल एंड व्हाई टू बी ग्रेटफुल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें उनके साथ, क्योंकि शायद ये सुन के किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेटफुलनेस की, ग्रैटिट्यूड की। कैसे आए हमारे अंदर ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसकी आजकल बहुत सारी चर्चा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड। सो हाउ टू डेवलप, लेकिन उससे पहले अगर आप ये समझें कि हमें जो ग्रैटिट्यूड है क्या उनसे भी होना चाहिए, उस चीज़ों के भी होना चाहिए जो हमें परेशान करती हैं, क्या उस व्यक्ति से भी हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जो हमें परेशान कर रहा है, क्या मुसीबत के समय भी हमें ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना चाहिए? तो इसका आंसर है यस। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हर परिस्थिति में, क्योंकि इतना कुछ है जो हमें मिलता है जो हम नहीं देख पाते हैं, वो छोटी छोटी सी चीज़ें जिनके लिए हमें शुक्राना होना चाहिए वो हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये एटीट्यूड को डेवलप करें। लेकिन डेवलप करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों डेवलप करें, व्हाई शुड वी हैव दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो सबसे पहले तो ये बात अगर आपको मालूम है कि जब आपके अंदर थैंक यू का भाव आता है तो आपका मन खुश हो जाता है। जब आप खुश होते हैं तभी आप शायद थैंक यू बोल पाते हैं। तो वो जो खुशी है वो इस ग्रैटिट्यूड से जुड़ी हुई है। तो हमारा ध्यान जो है वो हमेशा अच्छी चीज़ों पर जाता है और फिर हमें लगता है कि हमारी कोई मदद कर रहा है, तो यू फील सपोर्टेड। सो बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड यू आर फीलिंग सपोर्टेड, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन यू फील अबंडेंस, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये फीलिंग हमारे को आती है। और जब हमारे पास बहुत कुछ है, ये फीलिंग हमें आती है, तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। सो वी कैन ऑफर सो मच टू अदर पीपल व्हेन वी आर फुल एंड कंप्लीट, वी आर होल एंड कंप्लीट। और इन सब चीज़ों का जो सीधा असर है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर जाता है। तो यू आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, योर वेल बींग इज़ टेकन केयर ऑफ। और तो और आपकी जो नींद है वो बहुत सुकून की हो जाती है, यू फील सो रिलैक्स दैट यू स्लीप वेरी नाइसली। तो ये सब जो फ़ायदे हैं हमारे इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से बहुत है जिसके लिए हमें ये चाहिए। लेकिन अब हमको जानना है कि हम ये डेवलप कैसे करें, हाउ टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आगे सबसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, उस व्यक्ति, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, बच्चे हों, आपके फ्रेंड्स हों, टीचर्स हों, या आपका पेट ही क्यों ना हो, उसके बारे में सोचिए जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, आपको थोड़ा सुकून मिला है उनके साथ, थोड़ा अच्छा लगा है उनके साथ। कोई गिफ्ट नहीं दिया उन्होंने आपको, नॉट समथिंग मटीरियल, बट सिर्फ उनके रहने से ही आपको लगता है कि आपको एक सुकून है, यू फील हैप्पी। तो बस उनके बारे में सोच लीजिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, बड़ा सोचिए प्रकृति के बारे में। जो चीज़ें आपको रोज़ दिखती हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर, नदी है, पहाड़ है, चिड़िया जो चहचहाती है, कोयल की कूक, ये सब चीज़ें हमें बहुत खुशी देती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हमें एक उपहार समझ के, अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर समझना चाहिए। उसके बाद आपका गिफ्ट ऑफ लाइफ, जो ये ज़िंदगी हमारी है,
जो हमारा दिल है, जो बिना नागा रोज़ धड़कता है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। दिमाग है, मांसपेशियां हैं जो आपको लेके जाती हैं, आपके पैर, एवरीथिंग, द होल बॉडी यू हैव, वी नीड टू फील ग्रैटिट्यूड। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं है, जैसे प्यार, काइंडनेस, किसी की हेल्प सिर्फ कुछ बोल देने से ही, कुछ एडवाइस जो हमारे को कोई दे देता है फ्री में, और हम समझते हैं कि फ्री में मिल रही है तो शायद उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत वैल्यू होती है। तो ये सब चीज़ें जो नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनके प्रति भी हमारे अंदर बहुत सारा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो महसूस करिए ये सब ग्रैटिट्यूड जो हमारे को इन सब चीज़ों से मिल रहा है, फिजिकल हो, चाहे वो जो नहीं दिख रही हो या जो नेचर हो। और जब ग्रैटिट्यूड जो है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अपराध भोग में आ जाएं कि भाई यू फील गिल्टी कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ही सब कुछ लोग कर पा रहे हैं। तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, अपराध बोध होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप अपने आप को कोई ऋणी महसूस करें कि भाई अब मेरे पर ये एक ऋण चढ़ गया है कि किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया है तो मुझे भी कुछ वापस करना पड़ेगा। बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट लाइक अ एक्सचेंज ऑफ कि अगर मेरे साथ जो करेगा तो मैं करूँगा। तो ये सब चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, बट ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग विच इज़ देयर इनसाइड यू। आपको बस महसूस करना है और बस ये सोचना है कि मेरे को हर समय एक शुक्राना भाव में रहना है, एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है। चीज़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, ये जो भाव है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड टू एनी मटीरियल थिंग्स। यू आर अनकंडीशनली फीलिंग ग्रैटिट्यूड जस्ट एज यू आर। तो बस पहचानिए कि ये सब कौन दे रहा है आपको, कोई प्रकृति है, कोई व्यक्ति विशेष है, देयर इज अ डिवाइन पावर इफ यू बिलीव इन दैट। हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ, आपकी एक एक सांस कैसे चल रही है, एंड जस्ट बिकम ग्रैटिट्यूड। योर लाइफ इटसेल्फ शुड बिकम ग्रैटिट्यूड। तो दिस इज हाउ यू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो बस नमस्कार दोस्तों, बस यहीं तक बात करेंगे। खुश रहिए और अपने जीवन में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।